नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। बांदकपुर मंदिर कमेटी में पिछले 90 वर्षों से 1933 में चल रही है, जिसके लगातार गड़बड़ियों और अनियमितता की शिकायत श्रद्धालुओं भक्तों द्वारा जिला प्रशासन से की जा रही, जिसके अनेक बार जिला प्रशासन को प्रमाण दिए जा चुके हैं। मंदिर कमेटी की जांच को लेकर शिव भक्त जिला कलेक्टर ने कहने पर पिछले एक वर्ष SDM कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन अब तक मंदिर कमेटी की कोई भी जाँच नहीं हुई, जबकि शिव भक्तों द्वारा कोर्ट में शुरुआत में ही कई सबूत, दस्तावेजों, फोटो, रसीद, वीडियो। वही गौतम ने बताया कि देश में संविधान वर्ष 1950 का है, लेकिन मंदिर कमेटी अंग्रेजों के समय से 1933 से बनाए गए नियमों और संविधान से चल रही है। हैरानी की बात है कि मंदिर कमेटी के सदस्यों और अध्यक्षता की चयन प्रक्रिया एवं नियमावली भी आम श्रद्धालुजनों भक्तों जनों का पता नहीं कर सके, जिससे वे आम छोटी मोटी शिकायतों और परेशानियों के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहे। वही राम गौतम का कहना है कि मंदिर कमेटी को गाय के शेड निर्माण के लिए 2 साल पहले वर्ष 2018 में 3 लाख की राशि पशुपालन विभाग द्वारा जारी की गई थी, लेकिन शिकायत करने तक कोई भी शेड निर्माण नहीं हुआ, जिसकी शिकायत जिला प्रशासन और CM हेल्पलाइन पर की गई, लेकिन अब जांच और कार्यवाही से बचने के लिए पहले 3 माह से गाय के शेड का निर्माण किया जा रहा है, जबकि कई बार मंदिर गौशाला के नाम पर विभाग द्वारा राशि जारी की गई है और दान भी मिलता है, जिसकी पूरी जांच करके कार्यवाही की जाए। वहीं दूसरी ओर बांदकपुर मंदिर से होने वाले विवाह में बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां बांदकपुर मंदिर में शादी कराने के लिए आए सुल्तान सिंह पंचम सिंह ने बताया कि उनके बच्चों की शादी बांदकपुर मंदिर से हुई थी, जिसमें वर वधु पक्ष से 950 रुपए की मांग की गई, जो उन्होंने दिए, लेकिन जब रसीद की बात की गई तो मंदिर कार्यालय के सदस्य बात को टाल कर चले गए। वही बाद में रसीद ले लेना, जब शादी कराने आए लोगों ने मंदिर में कार्यालय पर रसीद देने का दबाव बनाया तो मात्र 300 की रसीद थाम दी, बाकी पूरे पैसे की रसीद देने से मना कर दिया। जब पीड़ित ने मंदिर कमेटी के खिलाफ लिखित शिकायत की तो बाद में मंदिर कार्यालय पीड़ित को पैसे वापस करके मामले में लीपापोती करने लगे, जबकि पीड़ित का कहना है कि यदि उन अकेले से लगभग 1500 रुपए लिए हैं तो बांदकपुर में 1 साल में हजारों शादियां होती, इससे तो यह लगता है कि यहाँ पर केवल शादी के नाम पर लाखों रुपए की धांधली चलती आ रही है, जिस पर पीड़ित ने जिला कलेक्टर से मिलकर पूरे मामले की जानकारी दी थी और दोषियों पर शीघ्र ही कार्यवाही करने की मांग की है। शिकायत किया लिखित में, तो रंगखाने भी गए और SP कार्यालय भी गए। और कहीं शिकायत की? हाँ सर, शिकायत की हमने सर, SP आप इसके में शिकायत की और कलेक्टर में भी शिकायत की और रंगखाने में भी शिकायत है अपनी और चौकी में भी शिकायत है। आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई किस पर? कमेटी पर, बांदकपुर कमेटी पर। कितने रुपये की अंग्रेजी हुई आपसे? हमसे हुई है 1500। सर एक दिन में 100 ब्याह होते कम से कम, कम से कम एक दिन की वहाँ कमाई करिए 1.5 लाख। तो आप चाहते हैं? हाँ, केस पे कार्रवाई हो मंदिर कमेटी पर। आप कब से ये कार्रवाई का प्रयास कर रहे हैं? 5 महीने पहले। जय जागेश्वरनाथ। हम लोग श्री जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर के विषय में मंदिर कमेटी के द्वारा जो अनियमितताएँ वर्षों से हो रही है उसके संदर्भ में जिला प्रशासन को अवगत कराने के लिए आए हुए, कई बार माननीय जिला प्रशासन के लिए हम लोग अवगत करा चुके हैं और कई प्रकार के जो प्रमाण हैं वो हम लोग जिला प्रशासन को दे चुके हैं, जिसमें लिखित दस्तावेज हैं, वीडियो हैं, फोटो हैं, कई रसीदें हैं, प्रमाण पत्र हैं कि जो मंदिर को शासकीय राशि जारी हुई है उसका उपयोग और दुरुपयोग क्या हुआ है, ये सब जानकारी हम लोग दे चुके हैं। माननीय कलेक्टर साहब के कहने पर पिछले 1 साल से हम लोग SDM कोर्ट में मंदिर कमेटी के विरुद्ध में केस लड़ रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि अब तक हर हम आवेदन में हम लोगों ने केवल जांच की बात की है कि पहले जो हमारी शिकायतें हैं, जो आवेदन हैं, उन सभी की जांच की जाए मंदिर कमेटी की पूरी की कहां कहां अनियमितता हो रही है, लेकिन बार बार शिकायत करने के बाद भी अभी तक मंदिर कमेटी की किसी भी प्रकार से कोई जाँच नहीं। एक बार पुनः हम लोग बताइए। जय जागेश्वरनाथ। दमोह जिले के समस्त शिव भक्तों के माध्यम से आदरणीय कलेक्टर महोदय के लिए हम कई बार एक महत्वपूर्ण विषय से अवगत करा चुके हैं। ये महत्वपूर्ण